आज आप इस वीडियो में जानेंगे संविधान से संबंधित कुछ तत्वों के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिनमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली समिति थी। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तथा इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है।